हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आ जाओ तो स्टार्ट करता हूँ टाइम वेस्ट के बिना। संतोष लिमिटेड एक बैलेंस शीट दिया है, लायबिलिटीज एसेट दिया है और एसेट्स की वैल्यू रीवैल्यू दी है। मैंने इसके पहले सम कराया था बेसिक का, राइट? तो वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना फोर्थ क्वेश्चन पेश है ऐसे, राइट? तो एसेट्स की रीवैल्यू दी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दिया है। वी हैव गिवन लास्ट पास्ट ईयर 3 ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब टैक्स रेट ने दिया है, मतलब टैक्स रेट कट करके आया। ओके, और इसमें प्रेफरेंस शेयर्स दिया, क्या दिया है? प्रेफरेंस शेयर्स। तो अब ये तुमको सीखना है। ओके, तो लेट्स बिगिन। वी हैव टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एज वेल एज यील्ड वैल्यू ऑफ शेयर। तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे अपन? नेट एसेट ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? नेट एसेट। तो व्हाट इज नेट एसेट? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी को क्या करेंगे आप? माइनस करेंगे। तो एसेट्स का पूरा नाम है ना कॉपी करने का, गुडविल से लेके बैंक एंड कैश एंड बैलेंस तक। ये एक्सपेंस नहीं लेने रहता, ये फिक्टिशियस एसेट है, इसको नहीं कंसिडर करेंगे। तो पूरा नाम कॉपी किया। और कर्जा कितना है? दो है, डिबेंचर और लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। तो दो कर्जा है। अभी अमाउंट कैसे लेने का, कहाँ से लेने का? ये वाला वैल्यू लेने का। गुडविल कितना दिया? 360। गुडविल कितना लिखेंगे? 360। ओके, नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 610। इक्विपमेंट दिया है 240, है ना? इक्विपमेंट 240। और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिया है 159। स्टॉक, अभी स्टॉक का वैल्यू टेबल से लेंगे, एडजस्टमेंट में नहीं दिया ना। 465 स्टॉक की वैल्यू हो गई, ठीक है? नेक्स्ट क्या दिया है स्टॉक के बाद? इक्विपमेंट दिया है दो, स्टॉक हो गया ना। तो बिल रिसीवेबल लिखे, बिल रिसीवेबल कितना दिया? 320। फिर बिल रिसीवेबल कैश बैंक दिया 60,000। ये अपना एसेट्स हो गया। लाइबिलिटीज कितना अपने पास? दो है, 2 लाख और 1,84,000। तो एक डिबेंचर से, ओके, इसको ऐड कर देंगे, अपने को कितना मिलेगा? 3,44,000 लाइबिलिटीज हो गया। और एसेट्स को भी क्या कर देंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। तो एसेट्स को ऐड कर देंगे ना अपना, तो 22,14,000 समथिंग आ रहा। ओके, ये अपना एसेट्स हो गया, ये अपनी लाइबिलिटी हो गया। अब दोनों को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे, ए माइनस बी। एसेट्स और लाइबिलिटी का माइनस करेंगे तो आपको 18,30,000 आएगा। अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शोल्डर से, तो क्वेश्चन में चेक करने का प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है कि नहीं है, राइट? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है कि नहीं दिया, तो क्वेश्चन में देखिएगा ना। यस, वी हैव गिवन द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। कितना रुपया दिया है? 3 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर्स ऐसा पैसा था इसको रिटर्न करना पड़ता है। ये 3 लाख क्या करेंगे इसमें से? माइनस कर देंगे, राइट? 18,30,000 में 15 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फर्स्ट वाला सम जो मैंने पढ़ा था उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं दिया था ना, इसलिए माइनस नहीं किया, राइट? तो कितना आ जाएगा? 15,30,000 आ जाएगा। ओके, ये हो गया अपना नेट अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शोल्डर। अपने इतना सारा वीडियो देख लिया तो ये वैल्यू समझ गया है, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो क्या फॉर्मूला? अमाउंट अवेलेबल टू इक्विटी शोल्डर मतलब 15,30,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर कितना? 6 लाख का, एक शेयर 10 का, तो नंबर ऑफ शेयर कितना है? 60,000। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 60,000। 60,000 से क्या कर देंगे आप? डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पर शेयर, तो 25.50 रुपया पर शेयर आ जाएगा, ठीक है? तो अपने को इंट्रिंसिक वैल्यू आ गया है ना, 25.50 पर शेयर। सिंपल, हाफ क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया, अभी हाफ बाकी है। हाफ कैसे सॉल्व करना है आगे? अभी क्या दिया अपने को मालूम है क्या? ईल्ड वैल्यू मेथड फाइंड करना है। ईल्ड वैल्यू में क्या करना है? लास्ट ईयर के एवरेज को क्या करना है आपको? प्लस करना है, ठीक है? तो 3 साल का प्रॉफिट है, तीनों को ऐड करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। टैक्स तो दिया नहीं है, फिर याद रखना इसमें प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी लेस करना है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी लेस करना है, तो ठीक याद है। तो सबसे पहले 3 साल का प्रॉफिट लिख देते हमें। तो पहले साल का कितना दिया? 2,54,400 दिया है। और दूसरे साल का दिया 273,300। और थर्ड ईयर का दिया 3,54,300। और डिवाइड बाय 3 करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ ईयर कितना दिया? 3। तीनों को ऐड करके कितना आंसर आ रहा है मालूम है तुम्हारा? 8,82,000। डिवाइड बाय क्या करेंगे? 3 करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मालूम है? अपना एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा 2,94,000। तो इसमें तो टैक्स माइनस करना पड़ता है, पर अपने को आफ्टर टैक्स ही दिया है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया, तो माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। तो यह आया अपना 2,94,000। फिर क्वेश्चन में क्या है? अपने को प्रेफरेंस शेयर दिया ना, ये तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड किया, और क्वेश्चन में क्या है? प्रेफरेंस शेयर दिया, कितना अमाउंट है? 3 लाख। तो 3 लाख पे अपने को 8% डिविडेंड देना पड़ेगा। कितना परसेंट डिविडेंड? तो 3 लाख पे 8% 24,000 आएगा। और डिविडेंड क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिविडेंड लेस हो जाएगा, 24,000 लेस कर देंगे, ठीक है? तो फिर जो अमाउंट रहेगा ना 2,70,000, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? FMP हो जाएगा। क्या होगा? FMP, ठीक है? ये अवेलेबल प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये 2,70,000 है। फिर क्या एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे? तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 2,70,000 है। इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में दिया है तुम्हारा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है मालूम है अपने पास? 6 लाख। इंटू क्या करेंगे? 100। अपने को क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। क्या मिलेगा अपने को? इसको सॉल्व करेंगे तो 45% आएगा। कितना है? 45%। अब हम लोग क्या निकालेंगे? वैल्यू ऑफ शेयर निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वैल्यू ऑफ शेयर।
बाय यील्ड मेथड राइट। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 45 और अपने पास नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया क्वेश्चन में 15% दिया। और एक शेयर का पेटा वैल्यू कितना है 10 रुपये। एक शेयर का पेटा वैल्यू कितना है 10 रुपये। तो ये फॉर्मूला हो गया ना, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में दिया, एक शेयर की वैल्यू, इसको क्या करते हैं आप लोग सॉल्व करके 1 + 3 तो 30 रुपये सारे कितना है अपना 30। तो 30 पर शेयर क्या हो जाएगा 30 पर शेयर। ये हो गया तुम्हारा यील्ड वैल्यू, क्या हो गया यील्ड वैल्यू। अभी कभी कभी और एक चीज़ पूछ सकता है फेयर वैल्यू, क्या पूछेगा तो फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइड बाई 2। मतलब ये आंसर को और ये आंसर को क्या करेंगे ऐड करेंगे और डिवाइड बाई क्या करेंगे 2 करेंगे, तो आपको फेयर वैल्यू मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको फेयर वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वाला टाइप का सब मैंने तुम्हारे लिए एक्सप्लेन करा दिया। तो अच्छा खासा क्वेश्चन है, वाला टिपिकल क्वेश्चन है, 15 मार्क के लिए यूनिवर्सिटी बेस्ड क्वेश्चन है राइट। अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ठीक है, और ये हर किसी को समाता ही है ठीक है। तो बस दुआ में याद रखना, ये राइटिंग मेरे स्टूडेंट की है, ये राइटिंग मेरी है, उसकी राइटिंग अच्छी है ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।